गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज मेरा सेकेंड पेपर है, पेपर तो थर्ड है लेकिन मतलब फर्स्ट वाला पेपर जो पोस्टपोन्ड हो चुका है। तो एक एग्जाम तो हो गया सोमवार को और आज बुधवार है, तो आज सेकेंड पेपर है हम लोग का। तो अभी मैं जा रही हूँ एग्जाम देने, रेडी हो चुकी हूँ, लेट हो रहा है तो इसलिए मैं घर से निकल रही हूँ। लेकिन सोची कि चलो व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स का इंतजार रहते हैं और आप सबको पता ही है कि मेरा एग्ज़ाम चल रहा है, तो इस वजह से मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पा रही हूँ। बट थोड़ा सा बाहर निकल रही हूँ, एग्ज़ाम देने जा रही हूँ, तो सोच रही हूँ आप लोगों के साथ थोड़ा थोड़ा सा ब्लॉग शेयर करूँ। क्योंकि ये जो अभी का मोमेंट है ना, ये जो आने जाने का सब एग्ज़ाम सब कुछ, तो ये सब जब हमारा एग्ज़ाम हो जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, तो फिर उस टाइम हम लोग मिस करेंगे, ये सब दिन याद करेंगे। तो मैं अपने लिए भी ये सब ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो चलिए फिर अभी चलते हैं हम लोग। अभी रास्ते में मेरी दोस्त लोग भी आएंगी, मेरी चार दोस्त, तीन दोस्त लोग मेरे साथ जाती हैं, मैं, मेरे हस्बैंड। तो चलिए अभी चलते हैं हम लोग, क्योंकि मैं फिर बात करूंगी ज़्यादा तो फिर लेट हो जाएगा, पतिदेव बाहर इंतजार कर रहे हैं। आ जाइए जल्दी। आज की तैयारी कैसी है? ठीक है यार, नहीं किया आज तो इतना ना हिस्ट्री दे दिया है कि दिमाग खराब हो गया। किधर फोर लेसन में एक और लेसन है, कौन सा है? केंद्रीय वाला ना, केंद्रीय और राज्य वाला, बहुत दे दिया यार। इतनी हिंदी में हम कितना कंफ्यूज हो रहे हैं। वही तो, एक तो इतना शुद्ध हिंदी होता है, इतना हिंदी था पता है, एससीआरटी को ही नहीं पहचान पा रहे थे हम। उसमें लास्ट भी पता नहीं क्या आ रहा था, सारी हिंदी देख लेके। सन इसमें कितना सारा दिया हुआ है, सन भी दिया हुआ है ये, और एक बहुत एकदम शिल्पा दीदी यहाँ है, यहाँ नहीं खोलेंगे। हम भी बड़ा कंफ्यूज होते थे, लेकिन मैंने यार सबसे ज्यादा रिक्शे वाले, अब उसको क्या बताए। पूजा दिया कहीं है? पूजा में हम वेट कर रहे हैं और अभी ना तुम एक बाल होगा। हाँ लेकिन सब आज के पेपर का दिया है, संप्रेषण कम्युनिकेशन वाला सारा उठा के डाल दिया था, जबकि वो आज है। बाकी थोड़ा आते हुए गलत हो जाते तो गुस्सा। हाँ वो क्लोज्ड वाला होगा, मुझे लगा कॉम्पैक्ट मैंने कहीं पढ़ा था, मैंने क्लोज्ड लगाया था, मुझे लगा था कि क्लोज्ड होगा, मतलब नजदीक का लेता है ना, इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था, लेकिन फिर मैंने लास्ट में लगा दिया। एनसीईआरटी गलत हो गया था मेरा, हमने टीचर लगा दी जबकि ट्रेनिंग, ट्रेनिंग कैसे हो रहा था, हम उसमें बड़ा कंफ्यूज थे, ट्रेनिंग कैसे हो सकता है, क्योंकि वहाँ ट्रेनिंग तो होती है। हमको तो उसमें पूजा दी, पूजा दी जरा इधर दिखिए। हेलो, इनमें से किसी को नहीं पहचानते हम। तो क्यों बैठाई? हम भी आपको नहीं पहचानते। क्यों बैठा है? दया दृष्टि नहीं नहीं, आपको हम बैठा है, आपको हम बैठा है, वो भी फ्रंट सीट, ये हमारी दया दृष्टि। कौन कौन पीछे क्या क्या खा रहा है छुपा छुपा के? नहीं हम जहर तो नहीं खाएंगे, क्योंकि अभी मेरा एग्जाम है। खा लो। नहीं अच्छा जाएगा, अच्छा जाएगा। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। चिंगम चिंगम क्या करे, पगलू खा ले जहर। अच्छा वो हम रिमोट होके भी क्या करेंगे, जब जहर खा कर मर ही जाएंगे तो नहीं, क्या पता भगवान ने बातें बचा लिया तो कोई फायदा नहीं होगा। अभी हम लोग सेंटर पे पहुंच जाएंगे, 10 मिनट में पहुंच जाएंगे ना? नहीं 11 बजे से हम लोग का एग्जाम है। कितना देर में पहुंचेंगे? 1 बजे 10 मिनट में हम लोग वहाँ पहुंच जाएंगे, कानपुर बाईपास पे ही रुकेंगे। हाँ अंदर जाएंगे 10:30 बजे।
एक बजे पहुंचेंगी गायत्री, आधे घंटे में पेपर सॉल्व कर देंगी, है ना? आधा घंटा लेट पहुंचेगी तो पेपर कहाँ से सॉल्व कर देंगे? पढ़ पढ़ के बस छोड़ के चले जाएंगे। देखिए इन लोग को, अपने तो कॉपी निकाल निकाल के बैठ के पढ़ रही हैं तुम, और हम पढ़ रहे हैं तो कह रहे खूब पढ़ लो खूब पढ़ लो। हम तो दिखा रहे तुमको, पूछ रहे तुमसे, हम थोड़ी ना पढ़ रहे हैं। ये अभी सेंटर के पहले, हम लोग जाने के पहले मतलब रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि अभी का टाइम का ही याद रहता है ना, याद क्या रहता है, एक भी आता ही नहीं पढ़ा हुआ। स्माइल देखिए इन लोग का, तेरी अदाओ पे मैं बारी बारी वा 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 वा। अब ये बना तो जी फोटो की थी, मैं सबने फोटो अपनी सबसे नॉटी कर लिए है, वही खड़े रखे 10 बजे से। अरे ये देखिए सबसे बदमाश लड़का, हे गाइस, तो अभी मैं जा रही हूँ सेंटर पे, क्योंकि टाइम हो गया है। बेस्ट ऑफ लक बोलिए पगलो, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम देना, 100% करके आना। आपको प्रणाम कर लूं, कर दीजिए। अब हम गाड़ी में, आशीर्वाद तो दे दीजिए, गुस्साइए मत, आशीर्वाद दीजिए। 100% करके आना, अच्छे से करके आना। ठीक है, जा रहे हैं, ठीक है, बाय। आपका एग्जाम कैसा गया सबका? बहुत 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 तुम्हारे दोस्त का नाम स्माइल देख के समझ सकते हो आप। पूजा दी कैसा गया आज? अच्छा गया, बहुत अच्छा। श्वेता दी आपका कैसा गया? मैं मुंह नहीं दिखा सकती। और गायत्री का बहुत खराब, नंबर आ गया ना तो पीटेंगे हम लोग फिर। रखने में भाई भूल गए तो हमारा। मेरा तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा गया है। पगलू आपका? इनका पेपर ही था। बताइए आपका कैसा गया? टाइम पूछो कैसे कटा। आधार कार्ड फोटो लाने की कोई जरूरत नहीं है, मत लाइए आधार कार्ड। आज का एग्जाम हम लोग का बहुत अच्छा गया, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पास वर्चुअल है ना, अब हम लोग घर जा रहे हैं। वर्चुअल क्या है? मोबाइल में। क्या आप लोगों की तरह फालतू बातों पे बकवास कर रहे हैं? मुझे तो फालतू बात नहीं थी, हम लोग तो अशाब्दिक कम्युनिकेशन कर रहे हैं। एक इस तरह का आया हुआ था ना, हाँ, वो तो केस क्या डाली थी आप लोग उसमें? जो सही था यहाँ से देख करके आए। सही क्या था बताइए ना, सही क्या सही था? पता ही नहीं सही, तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम्हारा सही होगा, मेरे अकॉर्डिंग मेरा सही होगा। एग्जामिनर के अकॉर्डिंग उसका सही होगा, सही होगा तो वो बताएगा कि क्या सही है। अच्छा जी बताइए, कोई भी कंपटीशन होता है तो उसमें 10 क्वेश्चन मान के चलिए ऐसे फंसते हैं जिसमें खुद स्टूडेंट नहीं श्योर होता है कि सही होगा, टीचर भी नहीं श्योर होता है। हाँ सही बात है, कुछ क्वेश्चन होते हैं नहीं, उसमें फिर केस बनता है, उसका नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। अरे किसने गलत कर दिया ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, 87 डाल दिया, 88 था। अब हो गया पूजा दी, अपना देखिए पक्षी प्यार इधर दिखा रहा है, ये चलो पक्षी विहार है, पक्षी मतलब हर एक। पूजा दी आप जा रही हैं? नहीं आ रहे हैं, हमें पूजा दी जा रहे हैं, मेरा स्टॉप आने वाला है, ड्रॉप किया जा रहा है पूजा दी को यहाँ पे। चले यहाँ से वहाँ तक जाने में 15 मिनट लगेगा, 15 मिनट कर सकते हैं, पैदल दौड़ सके। कितनी ट्रैफिक अभी से हो रही है। अच्छा यार पूजा जी दौड़ सकी तो? नहीं मुझे दौड़ना ही तो नहीं आता, नहीं आता है, आता तो आपका पुलिस में जॉब हो जाता। सही है, मस्त पर्सनालिटी लगता, वहाँ बैठी हुई थी वैसे ही दिखती ना।
गाइस, तो जस्ट अभी मैं आ गई हूँ घर और आज मेरा एग्जाम अच्छा गया है, लेकिन अब भगवान की मर्जी की अभी रिजल्ट में देखिए कैसा आता है, क्या होता है, कितना गलत कितना सही। बट फिर भी मैंने जितना किया है मुझे मतलब सेटिस्फैक्शन है, मुझे खुशी हो रही है। पिछले वाले दिन फर्स्ट डे मैं थोड़ा सा नर्वस हो गई थी, तो उतना मतलब मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा था, लेकिन आज मैं मतलब थोड़ा खुश हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है। अभी जस्ट हम लोग घर आए हैं तो फिर मैं जा रही हूँ ड्रेस चेंज करने। 3:15 हो रहा है, आज भी 3:15 हो रहा है, उस दिन भी 3:15 हो रहा था, मतलब अप्रॉक्स हम 3:15 बजे घर आ जा रहे हैं ना। तो फिर अभी मैं जा रही हूँ, थोड़ा देर आराम करूँगी, उसके बाद शाम का फिर खाना बनाना होगा, फिर हम लोग मैं पढ़ाई करूँगी नेक्स्ट पेपर की तैयारी। वैसे तैयारी है लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिवीजन कर लूँगी, क्योंकि एक दो दिन पहले वाला जो रिवीजन होता है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फिर आप जाओगे एग्जाम में तो सारा का सारा तुम्हें डिमांड होते रहता है। तो बस यही, और मतलब सब दोस्त के साथ जा रही हूँ तो अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है सबके साथ जाने पर। सब लोग को ड्रॉप करते हैं हम लोग, पहले तो पिकअप करते हैं सुबह में, उसके बाद फिर हम लोग आते समय सबको ड्रॉप कर देते हैं, उसके बाद घर आ जाते हैं। बात करेंगे अभी पगलू भी बात करेंगे बोल रहे हैं, मैं भी बात करूंगा। क्या बात करेंगे? चाय चाय चप्पल चप्पल। तो आइए जल्दी, तो फिर व्लॉग लंबा हो जाता है ना, तो कोई देखता नहीं। इसको दोस्त लोग के साथ जाने में मजा आ रहा है, लेकिन मेरे साथ जा रही है, मेरे से काम करवा रही है, मैं लेके जा रहा हूँ, ला रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, मैं सबसे ज्यादा थक रहा हूँ मैं, लेकिन मेरे कोई वैल्यू नहीं। नहीं, आपका भी वैल्यू है, सबका अपना अपना अलग अलग जगह होता है ना। मैं मेहनत कर रहा हूँ, खट रहा हूँ, मेरी कोई वैल्यू नहीं, देख लो क्या। नहीं, आपका जगह अलग है, सबका जगह अलग अलग होता है, दोस्त का जगह अलग होता है, पति का जगह अलग होता है, भाई मोटी बहुत खुश है, पेपर अच्छा हुआ है। आज अच्छा हुआ है, लेकिन देखिए अब जब कॉपी चेक होगा तो कितना नंबर आता है, कितना गलत कितना सही, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकती हूँ ना कि मैं सारा के सारा सही लगा के आई हूँ, मतलब हो सकता है कुछ गलती भी हो सकता है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है मैं सही लगाई हूँ, लेकिन अब जब कॉपी चेक होगा तो वहाँ पता चलेगा। एग्जाम के बाद जब एवलुएशन करेंगे तो देखें और रिजल्ट आएगा तो फिर पता चलेगा। वैसे भगवान का रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो चलिए फिर इस ब्लॉग में हम लोग अब यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद जय भारत।